नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं बात करने वाला हूँ सपनोज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं भाई सपनोज के लिए प्लीज़ एक और वीडियो बना दे, प्लीज़ मुझे जानना है सपनोज को कैसे दूर किया जाता है भाई। तो आज की जो वीडियो है भाई तुम्हारे लिए है कि सपनोज को कैसे दूर किया जाता है, और इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। और ये मेरी गारंटी है, जो लोग कहते हैं ना, चैलेंज करते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि सपनोज को दूर करना, जिसने एक बार यू नो मास्टरबेशन कर दिया, तो वो लोग कहते हैं कि जिसने एक बार मास्टरबेशन कर दिया तो उसका सपनोज रोकना कोई भी रोक नहीं सकता है। तो उनकी एक बहुत घटिया सोच है। सबसे पहले तो उसकी सोच को मैंने उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो उसको देख सकते हैं आप। लेकिन इस वीडियो में केवल मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके सपनोज कोई भी दूर कर सकता है। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि सपनोज को दूर किया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे रोज़ सपनोज होता है यार, और मैं दूर ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरह का प्रॉब्लम आज के बाद कभी नहीं आएगी अगर तुमने ये आसन कर दिया। तो आज मैं एक आसन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है कि पद्मासन में बैठना है, और पद्मासन में बैठने के बाद अपने अपने पैरों को ऊपर की ओर ले जाना है, ताकि आपके जो अंगूठे हैं वो पीछे की ओर चले जाएं थोड़े, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है, अपने हाथों को पीठ की ओर से पीछे को ले जाना है। पीछे को ले जाने के बाद अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है, समझ गए। उसके बाद चौथा स्टेप जो है उसमें क्या करना है, अपने दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग को देखना है। जो आपका नाक है उसका अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर करना है, अपनी आँखों से उस पर देखे रहना है, बस इतना करना है। उसको करने के बाद अपने सांस लेनी है, लेते लेते उसको देखे देखे सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, छोड़नी है, और इसको मिनिमम 20 टाइम्स करना है, समझ गए। अब इस आसन को करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो उन लोगों के लिए क्या है सॉल्यूशन कि पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आधा चौपाड़ी मार के बैठ जाओ। चौपाड़ी मारने के बाद अपने हाथों को पीछे कर लो, एंड पीछे करने के बाद अपने हाथों को पीछे कर लो और ट्राई करो कि आप पकड़ लें दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को, ठीक है। उसके बाद आँख से नासिका को देखना है, टॉप को, एंड उसके बाद सांस लेनी है 20 टाइम्स, बस इतना कर दिया तो अपना बद्ध पद्मासन पूरा हो जाता है। और इस आसन को करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, आलस्य, जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए रात को करने को कहा था मैंने, ठीक है। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए अच्छा है, आलस्य जिसको होता है वो भी कर सकता है आसन को। कब्ज के लिए अच्छा है, स्वप्न दोष के लिए अच्छा है, वीर विकार आदि दूर करता है। वीर विकार आदि मतलब किसी को भी वीर की प्रॉब्लम है, जिसको वीर बनता नहीं है, ज़्यादा अच्छे से बनता नहीं है, तो ज़्यादा तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाता है इसको करने के बाद। और उसके बाद मिर्गी, क्षय, दमा, खांसी और इस तरह के रोगों से भी सुरक्षित करता है। और यह आसन पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है और कमर के ऊपर के अंगों को पुष्ट करता है। और अगला फायदा क्या है, मन की स्थिरता में सहायक है। और अगला फायदा एक और है कि कम वजन वालों को वजन बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। तो इस आसन को रोज़ करो, और ये मेरा चैलेंज है कि अगर इस आसन को रोज़ किसी इंसान ने कर लिया तो उसको स्वप्नदोष की प्रॉब्लम नहीं आएगी गलती से भी, और जिन लोगों को वीर्य की समस्या है वो भी समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी वीडियो की प्रॉब्लम है, और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ताकि अगली वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।